नमस्कार, इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। हटाया जा सके अन्यथा उपग्रह चंद किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रोपल्शन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को दो ड्यू बूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25x130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। It further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored South Pole of the Moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission.
चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊँचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स, चंद्रयान 3 इज इक्विप्ड विद अ स्वीट ऑफ सोफिस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाइल चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैव प्रोवाइडेड अबंडेंट रिमोट सेंसिंग डेटा ऑफ मून, इक्वली इंपॉर्टेंट are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वी हैव कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लैंडर टेलीमेट्री डेटा from ISRO's Deep Space Network, IDSN-32, located in Bellalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station
and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। ड्यूरिंग द रफ ब्रेकिंग फेज The lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस along the intended trajectory.
जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकेंड टू 358 मीटर्स पर सेकेंड। The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। द लैंडर मॉड्यूल हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 228 किलोमीटर्स। द कंप्लीट डाउन रेंज दैट विल बी ट्रैवल ड्यूरिंग दिस फेज शैल बी नियरली 713.5 किलोमीटर्स। जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% द वर्टिकल डिसेंट फेज टू विच विल हैव द लैंडर मॉड्यूल होवरिंग एट नियरली 150 आर कैपेबल ऑफ अचीविंग सच फीट्स। वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय। एंड आई लुक फॉर देयर ब्लेसिंग्स एंड विशेस एंड affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many